मतदाताओं जागरूक करने के लिए जिलाधिकारी के नेतृत्व में 100 से अधिक स्कूटी रैली निकाली गई। ब्यूरो चीफ पंडित कृष्ण बिहारी त्रिवेदी की खास रिपोर्ट। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर से, जहां 30 अप्रैल 2024 को नगर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज महुआबाग गाजीपुर से आगामी लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा मतदाताओं को जागरूक करने हेतु जिलाधिकारी आर्यका खौरी के नेतृत्व में लगभग 100 से अधिक महिलाओं द्वारा स्कूटी रैली निकाली गई। स्कूटी रैली को पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गाजीपुर में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में सर्वप्रथम जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह द्वारा उपस्थित लोगों को मतदान हेतु जागरूक करते हुए शपथ दिलाई गई। तत्पश्चात जिलाधिकारी द्वारा स्वयं स्कूटी रैली का नेतृत्व करते हुए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से रैली प्रारंभ की गई। इस अवसर पर अपर जिलाधिकार SDM गाजीपुर तथा अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। सर, आज DM साहब के नेतृत्व में स्कूटी रैली निकाली गई, जिसको आपने हरी झंडी दिखाई है, क्या उद्देश्य रहा है, क्या बताएंगे इसके बारे में? इसका उद्देश्य जो है, प्रोग्राम जो चल रहा है, जो लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, उसमें मतदाताओं की परसेंटेज बढ़ाने के, उन लोगों को एक तरह से प्रेरित करने के लिए ये कार्यक्रम आज DM साहब के नेतृत्व में किया गया है। पूरे शहर में जो एक पिंक रैली निकल रही है स्कूटी की, ये इस बात का एकात्मक संदेश है कि जो पाप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, और जो अब तक का परसेंटेज रहा है गाजीपुर का, इसे अपने उत्कृष्ट पे ले जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग 1 जून को मतदान करने के लिए बाहर निकलें, उसी यही उसका उद्देश्य है। सर, आज बड़ी संख्या में महिलाएं DM साहब के साथ स्कूटी रैली में शामिल रही हैं, क्या मैसेज इस तरह से दिया जा रहा है? मैसेज ये है कि जो देश की आधी आबादी है, जिसके एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा विभिन्न स्कीमें भी चलाई जा रही हैं, उसी प्रकार से जो मतदान प्रक्रिया है उसमें भी समस्त माताओं बहनों से अनुरोध है कि जिनका वोट है वो जरूर वोट का, अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करें, और सारे काम दिन छोड़ के 1 तारीख को सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करें, उसके बाद अन्य कार्य करें, और महिलाओं के माध्यम से पूरे समाज को ये संदेश है, जब महिलाएं सब वोट डाल सकती हैं तो पुरुष की भारी संख्या में निकलें और इसे 100% करने का प्रयास करें।